So I'll tell you later on. So I'll explore and I'll keep telling you. Thank you so much, James. Okay. Welcome to Singapore. Thank you. Okay. और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बतानी है आपको, अगर आप यहाँ सिंगापुर आ रहे हो तो बेस्ट इज तो भाई लोग मॉल में जाके तो ठंडे हो गए एकदम। सो गाइस ये सिंगापुर के आइकॉनिक डबल डेकर बस, आपने सुना होगा इसका नाम। यहाँ पे सिटी टूर के लिए भी चलती है और हमारे मुंबई में भी चलती है जो रिसेंटली अभी बंद हुई है, वहाँ पे भी एक डबल डेकर। तो गाइस MRT से मैं बाहर आ गया हूँ चाइना टाउन मेट्रो स्टेशन से, और अभी यहाँ पे जो स्ट्रीट है यहाँ पे आने के लिए आपको ए वाले एग्जिट से बाहर आना पड़ता है, पगोड़ा स्ट्रीट करके है। पगोड़ा से याद आया मुझे, वियतनाम जब मैं गया था बहुत सुंदर सुंदर पगोड़ा देखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना या फिर आई बटन में आ रहा हो वहीं पे। तो फिलहाल यहाँ चाइना टाउन एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं है क्या आखिर है चाइना टाउन। सो गाइस ये है यहाँ का चाइना टाउन। अगर आप लोगों को चाइनीज आइटम देखने हैं और चाइनीज़ खाना खाना है, नॉनवेज फॉलो के लिए तो बेस्ट है। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो बेस्ट जगह है, सही है अपनी मोहल्ले में, जो लगता है शाम को ज़्यादा सही रहता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं है बट ठीक ठाक है। तो अभी बस मैं घूम रहा हूँ या गलियों में भटक रहा हूँ, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो गाइस चाइना टाउन में आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बुद्धा टू टेम्पल है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी हो रहे हैं, मुझे लग रहा है शाम के टाइम में होंगे, और ये बुद्धा टू टेम्पल ज़रूर विजिट करना, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पगोड़ा वाले चाइनीज़ वाले स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है। लोग ये है चाइना टाउन के अंदर, अगर चाइना टाउन आ रहे हो तो इससे मिस बिल्कुल भी मत करना। सो गाइस चाइना टाउन में एक्सप्लोर करते करते मेरे को मिली है आयुषी, शी इज फ्रॉम मुंबई। तो ये भी यहाँ पे घूम रही थी काफ़ी टाइम से, 7 दिन से ना। यस। तो शी इज ऑल्सो सोलो ट्रैवलर। तो अभी इसने मेरे को बताया यहाँ पे बबल टी काफ़ी पॉपुलर है, तो अभी हम लोग बबल टी पीने साथ में, देन विल गो सेंटोसा आइलैंड। तो ये इसने तो कर लिया सेंटोसा, इसने थोड़ा बहुत मुझे गाइड भी कर दिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। तो थैंक यू सो मच, जस्ट रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। Yes. तो भाई लोग चाइना टाउन निपटाने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वीवो सिटी, क्योंकि चाइना टाउन मेट्रो स्टेशन से 2 स्टेशन ही आ गए और फिर वहाँ से सीधे सेंटोसा आइलैंड के लिए अंदर से इंटरनल ट्रेन चलती है। लेट्स गो वीवो सिटी। चाइना टाउन से फर्वर फ्रंट आके यहाँ पे आप वीवो सिटी में जैसे आते हो मॉल में, यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मैकडी वगैरह अवेलेबल है सारा। तब यहाँ से जो है सेंटोसा के लिए एक्सप्रेस चलती है, खुद को पकड़ना है, मतलब यहाँ पर ना मेट्रो का एक्सपर्ट हो गया हूँ, एक ही दिन में कौन सी कहाँ से पकड़नी है, 67 पता लग जा रहा है। सो गाइस ये है वीवो सिटी मॉल का टॉप एरिया, खेलने के लिए बच्चों के लिए बड़ा मस्त है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, फोटो वोटो खींच लेना मस्त एकदम जगह। इसके जस्ट अपोजिट में ही L3 है जहाँ से हमारी सेंटोसा के लिए एक्सप्रेस चलती है, चलो फिर चलते हैं वहीं की ओर। तो भाई जो सेंटोसा एक्सप्रेस है ना वो मोनो रेल है बेसिकली, तो वो एक्सप्रेस नाम की है बट चलती स्लो है। तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेशन जो है वो यूनिवर्सल स्टूडियो का है, तो वहाँ उतर गया हूँ मैं, यूनिवर्सल स्टूडियो घूम लेते हैं। भाई लोग यहाँ पे कैसीनो भी है, अगर कैसीनो का शौकीन हो तो इधर साइड चलते हैं, इधर साइड कुछ दिख तो रहा है बढ़िया। सो गाइस ये है आइकॉनिक यूनिवर्सल स्टूडियो, सिंगापुर आते हो तो यहाँ ज़रूर जाना, बहुत ऑसम राइड्स हैं। मैं इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज मैं अकेला हूँ नेक्स्ट टाइम, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह आने का फ़ायदा, अर्ली मॉर्निंग आके सारी राइड्स करने का फ़ायदा है। और यहाँ पे आप आउटसाइड जो है बिना किसी टिकट के घूम सकते हो, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पूरा बहुत ही हैपनिंग है। शाम को आई थिंक और ज़्यादा हो जाता होगा, कोई लाइटिंग वगैरह होती होगी, और यहाँ पे सब सारे लोग फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, आप भी आके क्लिक कर सकते हो। और अंदर जो जाना है, अंदर राइड्स वगैरह करने के लिए जाना होता है, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग से राइड स्टार्ट हो जाती है। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ बाहर घूम लिया है, अभी यहाँ से निकलते हैं बीचेस के लिए और उसके बाद फिर हम चलेंगे वो शो हमने बुक किया हुआ है।
तो भाई लोग बहुत घुमाई होगी, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल स्टूडियो के इधर साइड अगर आप आ जाते हो थोड़ा सा आगे चल के, तो यहाँ पे बीच सा एक ये इस तरह से आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। आई थिंक वेदर भी थोड़ा बारिश वाला हो गया है, तो सिंगापुर में तो हमेशा अम्ब्रेला लेके चलते हैं। पीयूष भाई ने बैग में अम्ब्रेला दी थी, थैंक यू सो मच पीयूष एंड मेगा। तो बेसिकली वो है देखो मोनोरेल, जो मैं कहता था मोनोरेल चलती है इधर पे। तो मैं ये बोल रहा था कि यार दो तीन चीज़ें आपको बतानी थी। एक तो नंबर वन, अगर आप जब सिंगापुर आते हो तो वीज़ा वगैरह जो है आपको दो जगह से मिलेगा अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो। एक तो वहाँ पे करोल बाग में एक उनका ऑथेंटिक वो है एजेंट है, और दूसरा थॉमस कुक का जो ट्रैवल एजेंसी है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो उद्योग विहार में है गुड़गांव के पास। तो ये है वीज़ा की डिटेल, और बहुत इजी प्रोसेस होता है। आप जाओ वहाँ पे डिटेल सबमिट करो और रीज़न वीज़न बताओ, दो तीन हफ्ते पहले कर लोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और उसके बाद इजीली वीज़ा आ जाता है। मेरे केस में बस कवर लेटर था, बिकॉज मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है, उसने इनवाइट किया था, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था और एक दो दिन में ही वीज़ा आ गया था। दूसरी बात ये करनी, जो सेंटोसा आइलैंड है ना, वहाँ आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप उससे आ सकते हो ट्रेन से, मोनो ट्रेन से, और दूसरा वो दिख रही केबल कार के थ्रू भी आ सकते हो। उसका टिकट थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। तो मैं केबल कार में पहले बैठा हूँ वियतनाम में, जब हम विनपर आइलैंड गए थे, तो वो भी पूरा फन आइलैंड था केबल कार से जाके, पूरी राइड्स वगैरह थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कहीं आई बटन में आ रहा होगा, जाके देख लेना वो भी। तो इसलिए मैं इस बार केबल कार में नहीं जा रहा हूँ, मोनो ट्रेन से जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। सो गाइस मीट जेम्स, ही हेल्प मी अलॉट, सो आई विल टेल यू लेटर ऑन, सो आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल कीप टेलिंग यू। थैंक यू सो मच जेम्स, वेलकम टू सिंगापुर। थैंक यू, ड्रोन स्टेशन सिंगापुर्स ओनली फर्स्ट इंटीग्रेटेड। तो भाई लोग ये देख लो, तो टॉप व्यू सेंटोसा बीच का। Exactly, can you travel through time? Iconic Malayan, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।